गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले पर हुई हिंसा का आरोपी दीप सिद्धू गिरफ्तार। दीप सिद्धू पर दिल्ली पुलिस ने 1,00,000 रुपए का इनाम रखा हुआ था। सिद्धू को स्पेशल सेल ने पंजाब के जीरकपुर से गिरफ्तार किया। पुलिस ने ITU हिंसा में शामिल 40 लोगों को नोटिस भेजा। डंप डाटा से हुई आरोपियों की पहचान। हिंसा में शामिल 200 से अधिक वाहन मालिकों की पहचान कर ली गई। सिंघू बॉर्डर पर सीमा पार करने का किराया 100 रुपए, लोगों की जेब हो रही है ढीली, मजबूरन करनी पड़ती है सवारी। पुलिस बैरिगेटिंग के नजदीक से चलने वाली सेवाएं इस वक्त आवाजाही का इकलौता जरिया बनी हुई। नगर निगम उपचुनाव में 5 सीटों से 63 प्रत्याशी मैदान में। नामांकन के आखिरी दिन आप, भाजपा व कांग्रेस के उम्मीदवारों ने भरा पर्चा। सबसे कम उम्मीदवार रोहिणी वार्ड व सबसे ज्यादा शालीमार बाग वार्ड से मैदान में। उत्तराखंड हादसे में जान हथेली पर रखकर टनल साफ कर रही रेस्क्यू टीम। टनल में रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा। SDRF टीम को कदम कदम पर मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की बात। साझा प्राथमिकताओं पर हुई चर्चा। जलवायु परिवर्तन के संबंध में सहयोग को और बढ़ाने पर सहमत हुए। लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर, अक्षय कुमार समेत अन्य सेलिब्रिटीज के ट्वीट्स की होगी जांच। उद्धव सरकार का फैसला। महाराष्ट्र सरकार ने इन सेलिब्रिटीज द्वारा ट्वीट्स किए जाने की जांच को लेकर दिए आदेश। कोहरे की चपेट में दिल्ली NCR, कश्मीर को ठंड से मिली थोड़ी राहत। पेरिफेरल हाईवे के पास कोहरे की वजह से कई गाड़ियों के टकराने की भी जानकारी मिली। भगोड़े विजय माल्या को लंदन कोच से मिली राहत। खर्चे के लिए पैसे लेने की दी मंजूरी। 17 भारतीय बैंकों से लोन लेकर माल्या 2016 में ही ब्रिटेन भाग गया था। नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार। आज नीतीश सरकार ने नए मंत्री आज लेंगे शपथ। राजभवन में दोपहर 12:30 बजे शपथ ग्रहण।